नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जाना। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर भारतीय ब्रह्म सेवा परिवार द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने एवं अहमदाबाद के विभिन्न विस्तारों से युवा कार्यकर्ताओं की टीम का गठन करने हेतु दिनांक 22 दिसंबर 2019 रविवार सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच एक ग्रुप मीटिंग का आयोजन ब्राह्मण समाज के अग्रणी एवं कवि श्री ओपी अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें आधिकारिक युवा एवं युवक युवतियां सम्मिलित हुई थी। अंदाजीत 100 लोगों का गठन संस्था द्वारा किया जाना है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ने ही संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु अपने अपने वक्तव्य दिए, विचार रखे और इसके साथ ही संस्था में निस्वार्थ भाव से कार्य करने की अपनी स्वरुचि भी दिखाई थी, जिसकी कुछ झांकी फोटोग्राफ्स के रूप में प्रस्तुत है। उत्तर भारतीय ब्रह्म सेवा परिवार द्वारा आने वाले समय में संगठन का विस्तार करने पर विचार विमर्श किया गया है। जनरली हम सभी अंदर अंदर ग्रुप डिस्कस करते थे, यार शादी की प्रॉब्लम है, कहाँ जाए क्या जाए, बहुत सारे डीपली बहुत बातें हैं। यहाँ से हम गांव जाते पता चलती शादी हो गई, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारा टाइम वेस्ट। तो ये एक सिस्टम की संकल्प की, जैसा बहन ने कहा संकल्प का, कौन संकल्प कितना करता है, कितना पूरा करता है भगवान जाने, वो पूरा हम नहीं कर पाएंगे। खाली चर्चा चर्चा ही रह जाएगा भैया दुबे जी, चर्चा चर्चा ही रह जाएगी। कौन क्या लिया, कौन क्या दिया, मुट्ठी में बांध के दे दिया, उन्होंने ले लिया, उसमें हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। जहां जरूरत है वहां इकट्ठा करिए, कोई दे रहा है तो उसमें सर कैसे मना कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी समाज अभी तक बना है और जो आदेश का पालन होता है, ये दिमाग पे लोग लेते हैं, दिमाग मस्तिष्क गंगा है और उसमें जो बातें कही जाती वो बह जाती है। जब तक आप हृदय में नहीं बसाएंगे, अपने घर पे चर्चा नहीं करेंगे, आप केवल लाइट में आने के लिए, आप वही आप भी प्रायोरिटी देंगे एक दिन। मैं संशय नहीं है जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक दिन वही प्रायोरिटी।